देख पा रहे हैं जिनके गले में माला है और नए वस्त्रों से सुसज्जित है, उन लोगों ने, इन बच्चों ने वहां अपना तहलका मचाया। बड़ारी के लोगों ने युवा खिलाड़ियों को किया सम्मानित। जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय नेशनल शंबो चैंपियनशिप में बड़ारी के युवाओं ने लहराया परचम। गुरुवार को घर वापसी के बाद गांधी स्मृति भवन गुरुबाजार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जीत हासिल कर लौटे खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित किया। जिला परिषद सदस्य गुणसागर पासवान ने सभी खिलाड़ियों को गमछा एवं कलम देकर हौसला अफजाई किया। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर संबो एसोसिएशन के तत्वाधान में 13वीं राष्ट्रीय सीनियर नेशनल संबो चैंपियनशिप जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसलिंग भगवती नगर में आयोजित की गई थी, जिसमें बिहार के 28 उम्मीदवार खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। इस चैंपियनशिप में कटिहार जिले के 19 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। प्रतियोगिता में बिहार को 10 स्वर्ण पदक, 3 सिल्वर पदक और 9 कंसे पदक प्राप्त हुए, जिसमें बड़ारी प्रखंड के सनोज कुमार यादव 58 केजी, अभय कुमार मिश्रा 56 केजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। प्रदीप कुमार 40 की स्लो भार वर्ग में, सुभाष कुमार यादव 51 केजी और राज अभिषेक 64 किलो वाट भार वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त किए, जबकि आशीष कुमार रंजन 61 केजी मार्ग वर्ग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। प्रणाम करो, वस्त्र से सम्मानित करते हैं। माला पहना करके किसी का उपहार करते हैं। मैं चाहूंगा आप बैठ जाएं, बहनों बैठ जाएंगे, प्रणाम कर रहे हैं साथ साथ माला पहनाते हुए। दाढ़ी मारे कटौती को करते हैं। वाह, इसी में बोले बच्चा बोले देते हुए और माला पहनाते हैं। त्रिकोणा खाली त्रिकोणा खाली के साथ स्वागत किया गया। बस देते हुए और माला सम्मानित करेंगे, माला पहनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी ने बहुत अच्छा